भवन और बिल्डिंग्स विनिर्माण क्षेत्र में नए नए उद्योगों का विकास हो रहा है। गांव और शहरों में रास्ते को पक्का करने से शुरुआत करने वाली इंटरलॉकिंग टाइल ने आज उद्योग के रूप में अपनी अलग पहचान बना ली है। इंटरलॉकिंग टाइल्स को चक्का टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके इस्तेमाल में कम खर्च और मजबूती के कारण इनकी विकास कार्यों में मांग लगातार बढ़ रही है। अब ये व्यवसाय लघु उद्योग का रूप ले चुका है, जो कम खर्च और बेहतर आय का एक अच्छा स्रोत है। गांवों से लेकर शहरों में इन टाइलों का प्रयोग बढ़ा है। गुणवत्ता युक्त टाइलों की उम्र काफी अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त सजावटी टाइलें भी बननी शुरू हुई हैं। भवन निर्माण में भी इंटरलॉकिंग टाइल्स की मांग बढ़ी है। व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों क्षेत्रों को इस उत्पाद की आवश्यकता है और इसकी मांग हर साल तेजी से बढ़ रही है। इतनी मांग और उपयोगिता के चलते इंटरलॉकिंग टाइल व्यवसाय को एक मुनाफेदार व्यवसाय के रूप में देख सकते हैं। इन टाइलों का विशेष जो उपयोग होता है वो ज़्यादातर रोड बनाने में होता है। जो पहले RCC रोड बनती थी, अब इंटरलॉकिंग रोड बनने लगी हैं। फुटपाथ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, पार्किंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं पे जो पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, पार्क वगैरह हैं उनमें इस्तेमाल होता है। और ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है इंटरलॉकिंग टाइल कि जो भी पानी होता है उसका एक स्टोरेज प्रॉपर वे में नाली के द्वारा या जहाँ भी स्टोरेज जा रहा है वो पूरा पानी इकट्ठा होकर के एक सही जगह पर वो स्टोरेज हो जाता है और कहीं पर कीचड़ और गंदगी नहीं होती है। साफ सफाई और मजबूती हर दृष्टिकोण से इंटरलॉकिंग टाइल लगाना बेहतर है। आइए जानते हैं इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल, मशीनरी और प्रक्रिया के विषय में। इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने के लिए 6 और 10 mm की गिट्टी, सीमेंट और डस्ट आदि रॉ मटेरियल का उपयोग होता है, और मशीनरी में कंक्रीट मिक्सर, आयताकार वाइब्रेटिंग टेबल मशीन और विभिन्न आकार के PVC माउल्ड का प्रयोग होता है। इंटरलॉकिंग टाइल बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। सबसे पहले गिट्टी और डस्ट का मसाला बना लेते हैं, फिर इस मसाले को सांचे में भरकर सांचे को वाइब्रेटिंग मशीन से गुजारते हैं, जिससे मसाला पूरी तरह टाइल के आकार में आ जाए। इसके बाद इन टाइल्स को दूसरे दिन सांचे से निकालकर अगले 28 दिनों तक क्यूरिंग प्रोसेस यानी कि सूखने के लिए रख देते हैं, और 28 दिन बाद ये टाइल्स डिस्पैच होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका रॉ मटेरियल वही 10 mm ग्रिट है, 6 mm है और डस्ट है। इनको वैसे ही मिक्सर मशीन में मिक्सिंग करके, जैसे हमारी RCC पाइप का मिक्सर शेड्यूल है और जो M35 स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ पे इसको भी हम मिक्सर करते हैं, और उसके बाद इनकी डाइयाँ हैं अलग अलग साँचों की जो प्रकार हैं उनमें डाल करके मशीन पे, वाइब्रेट मशीन है उस पर चढ़ाया जाता है, फिर वाइब्रेट करके एक ईटा वो बाहर निकलता है, फिर उसको मैनुअली लेबर के द्वारा बाहर लगाया जाता है, फिर उसको किसी एक तिरपाल और उससे 24 आवर्स के लिए ढक दिया जाता है सूखने के लिए और हवा न लगे, फिर नेक्स्ट डे उसे डाइयों से खोला जाता है और फिर वही 28 डेज बाद इसको डिस्पैच किया जाता है क्वालिटी चेक करने के बाद। इंटरलॉकिंग टाइल्स 80, 60 और 40 mm मोटाई के बनाए जाते हैं, साथ ही ये जिगजैग, डम्बलर और डमरू आदि के आकार में बनाए जाते हैं। इसके लिए 15,000 से 20,000 वर्ग फीट एरिया की आवश्यकता होती है। इस प्लांट की कुल लागत लगभग 35 से 40 लाख रुपए तक आती है। रेवेन्यू लगभग 34 से 35 लाख रुपए होता है और प्रॉफिट करीब 4 से 6 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। प्लांट मशीनरी सेमी और फुली ऑटोमेटिक दोनों प्रकार की आती है। मशीनरी की कीमत करीब 20 से 21 लाख रुपए होती है। इंटरलॉकिंग टाइल्स प्लांट से सालाना लगभग 6 लाख तक की टाइल्स का निर्माण किया जा सकता है। इंटरलॉकिंग मशीनें भी हमारा डीजल ही प्रोडक्ट है और डीजल से ही चलती है, जिसमें लाइट के लिए सिर्फ बिजली की आवश्यकता रहती है। और पैकेजिंग जो अपनी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हैं उनमें से वो जैसे ईंटा निकलता है, चूँकि ऑलरेडी वो इतना M35 स्ट्रेंथ का होता है, तो उस ट्रकों में लोड करके ट्रांसपोर्ट के लिए चला जाता है। निर्माण प्रक्रिया में 5 से 7 मैन पावर की आवश्यकता होती है। ये प्लांट बिजली के साथ साथ डीजल जनरेटर से भी चलाया जा सकता है, और इस उद्योग को शुरू करने के लिए टैक्स, जिला उद्योग और पंचायत आदि सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है। एक इंटरलॉकिंग टाइल बनाने में 3 से 5 रुपए की लागत आती है और मार्केट में ये 12 से 13 रुपए में बेची जा सकती है, अतः लागत कम और मुनाफा अधिक है।
तो यदि आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस उद्योग को लगाने से लेकर चलाने तक में आपका पूरा साथ देता है। आईआईडी के मेंबर बनकर आप सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज की कंप्लीट इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, एक्सपर्ट एपिसोड्स, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्लांट मशीनरी की जानकारी और वेरियस इंडस्ट्रीज पर फोर्टनाइटली लाइव वर्कशॉप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्योग को शुरू करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और लिंक्स के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही और बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।